चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका वर्ष 2005 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूँ 2005 सन की, तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? यह 2005 में ना आपके उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की भी स्थापना हुई थी आपकी। ठीक है, ये भी आपने याद में रखना है। ठीक है, और कहाँ हुई थी भैया? देहरादून में हुई थी 2005 में ही। अब देखो, और भी इसमें सन दिए हैं, जैसे 2002 से आपके दिमाग में क्या आता है? वह आता होगा आपका आरोही परियोजना आती होगी। ठीक है, आरोही परियोजना क्या थी भैया? अध्यापकों को ना कंप्यूटर जो है शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मतलब प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी सिखाया जाता था अध्यापकों को, विद्यार्थियों को। ठीक है, और 2002 में ही आपके पहली बार विधानसभा चुनाव भी हुए थे ना, 14 फरवरी सन 2002 को वो थे विधानसभा चुनाव। और 2002 में ही आपके मुख्यमंत्री कौन थे भैया? सन 2002 में आपके मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है, ऐसे करके आप याद में रख सकते हो। 2019 से आपके माइंड में क्या आ रहा है? 2019 से आ रहा होगा कि भैया राज्य में जल नीति को मंजूरी मिली थी, राज्य में जल नीति आई थी आपकी, जल नीति 2019 में। ठीक है, और क्या याद में आ रहा है आपका 2019 से? मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना आ रहा होगा कि टॉपर्स बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलती थी 2019 में। ठीक है, और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना भी 2019 की है भैया। दाल पोषित जो योजना है आपकी, वो 2019 की है। ठीक है, और 2004 से आपके माइंड में क्या आ रहा है भैया? वंदे मातरम योजना। ठीक है ना, वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए थी। ठीक है, तो ये भी आप याद में रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या थी? 2011 के अनुसार पूछा गया है, खाली उत्तराखंड की साक्षरता दर पूछा गया है। ठीक है, आप अगर 87.40 देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो पुरुष साक्षरता है, तो आप इसमें मत लगाना। इसका सही आंसर है 78.82, क्योंकि आपसे उत्तराखंड की साक्षरता दर पूछा गया है। ठीक है, अब उत्तराखंड की साक्षरता दर पूछा गया तो इसमें भैया पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो थी 87.40%। ठीक है, और महिलाओं की जो थी वो थी आपकी 70%, यानी ठीक है 70% थी। अब देखो, कई चीज़ें होती हैं, प्रतिशत से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला आपका जिला पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ थी आपकी? सर्वाधिक। ठीक है, इसमें पुरुष नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ आपसे सिंपल पूछा जा रहा है सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ थी? देहरादून में थी। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ थी भैया? न्यूनतम उधम सिंह नगर में थी। ठीक है, न्यूनतम उधम सिंह नगर में थी। और आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, स्पेसिफिक लगा दिया जाएगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ थी, तो वो थी आपकी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और देखो, और कौन सा आपका प्रश्न बन सकता है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात था, शिशु वो कितना था? 890 था। ठीक है, और उत्तराखंड का खाली लिंगानुपात आ जाएगा तो भैया 1000 पुरुषों में कितना था? 963 था। ठीक है ना, 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में। ठीक है, तो ये था भैया आपका उत्तराखंड का लिंगानुपात। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, गाड़ू घड़ी यात्रा जाती है। तो जो गाड़ू घड़ी यात्रा है ना, वो टिहरी से बद्रीनाथ जाती है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। ठीक है, टिहरी से बद्रीनाथ, और इसमें लिखा है भैया नौटी गांव से होमकुंड, तो ये है नंदा राज जात यात्रा जाती है, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है, तो क्षेत्र पंचायत का जो आपका सचिव होता है वह होता है आपका BDO, यानी ब्लॉक विकास अधिकारी होता है। कौन होता है भैया? ब्लॉक विकास अधिकारी होता है। इसमें ग्राम प्रधान लिखा है, तो ग्राम प्रधान क्या होगा भैया? ग्राम पंचायत का आपका मुखिया होगा ना, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है?
ग्राम प्रधान हो गया। महापौर लिखा है, महापौर क्या होता है भैया? नगर निगम का अध्यक्ष होता है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है। और मुख्य विकास अधिकारी भैया, ये आपका मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत का सचिव होता है, ठीक है, जिला पंचायत का सचिव होता है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है पंचायती अधिनियम संशोधन, यानी पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, और ये कब किया था भैया? 2008 में किया था, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, आपसे ये सीधा सीधा पूछा गया है, तो आप सही आंसर लगाएंगे कि उस समय थे भैया कौन? भुवन चंद्र खंडूरी जी, ठीक है। ये 2007 से रहते हैं ना, 2009 तक, 2009 तक रहते हैं, उस समय थे। अगर देखो पंचायती अधिनियम की बात करूँ, हमारा जो स्वयं का उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम आया वो तो आया 2016 में, तो 2016 में कौन थे आपके मुख्यमंत्री? तो 2016 में आपके जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत जी, ठीक है। ये आपके रहते हैं 14 में आते हैं, 16 तक ही रहते हैं, क्योंकि फिर 27 मार्च 2016 को ना क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो 2016 में आपका पंचायती राज अधिनियम आता है, फिर उसका ना 2019 में संशोधन भी होता है, तो उस समय संशोधन के समय जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। इसमें नित्यानंद स्वामी जी भी लिखा है, तो नित्यानंद स्वामी जी कौन थे भैया? प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, आप सभी को पता है नित्यानंद स्वामी जी। और प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? निर्वाचित थे नारायण दत्त तिवारी जी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो देखो 155, ये हमारा बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 155 बिल्कुल ही सही है। अब इसमें देखो 155 लिखा है, और फिर लिखा है आपका अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 तो आपका भैया पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 जैसे ही आ गया आप तुरंत कह देना पंचायतों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 डी जो है ना पंचायतों के आरक्षण से संबंधित है, आरक्षण, ठीक है, पंचायतों की, ठीक है, पंचायतों भी लिख लो यहाँ पे। और अनुच्छेद 243 के की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका अनुच्छेद 243 के है वह कहता है कि पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसका भैया इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देखो और आपने क्या क्या याद में रखना है, राज्यपाल की बात आई है तो एक जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल जो है ना अध्यादेश कब जारी करता है, मतलब कौन से अनुच्छेद में जारी करता है, उसको वह शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वह देता है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या करता है भैया? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ये याद में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह आपका अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 आपने ये याद में रखना है, ये राष्ट्रपति वाला है भैया और ये राज्यपाल वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो देखो इन्हें पद्मश्री तो आपका मिलता ही मिलता है, और पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है इन्हें, और कब मिला है? सन 2020 में मिला है, ये याद में रखना। और इन्हें पद्मश्री मिला था वर्ष 2006 में, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, ठीक है। अब बात आई अनिल प्रकाश जोशी जी की, तो आप कहेंगे कि अनिल प्रकाश जोशी जी ने ना क्या, कौन सा आंदोलन किया था भैया? गांव बचाओ आंदोलन, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, ये याद में रख लेना। इनका जन्म होता है पौड़ी में, पौड़ी में कहाँ होता है भैया? कोटद्वार में होता है, ठीक है। और इन्होंने ना एक हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण का भी गठन किया था, ठीक है ना, एक उसकी जो स्थापना होती है एक संस्था है आपकी हैस्को, इन्होंने हैस्को की स्थापना की थी, ठीक है, 1979 में, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है देखो, गद्य संग्रह कवि का अकेलापन, जो ये कवि का अकेलापन रचना है ये किसकी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो जो कवि का अकेलापन है वह है मंगलेश डबराल जी के
रचना है ये आपकी, ठीक है, मंगलेश डबराल जी की रचना है। और मंगलेश डबराल जी का जो जन्म होता है वह होता है आपका टिहरी में, ठीक है। और मंगलेश डबराल जी की जो रचनाएं हैं वो आपने इम्पोर्टेंट याद में रखनी है, हम जो देखते हैं, क्योंकि इन्हें इसके लिए ना सन 2000 में साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और क्या याद में रख सकते हो भैया, पहाड़ पर लालटेन याद में रख सकते हो, पहाड़ पर लालटेन याद में रख सकते हो, घर का रास्ता याद में रख सकते हो, नए युग के शत्रु याद में रख सकते हो, ठीक है। और देखो शेखर जोशी जी भी नाम है दिया गया है इसमें, तो शेखर जोशी जी का जन्म जो है अल्मोड़ा में होता है। और इनकी रचना याद में रख लेना, मेरा पहाड़, ठीक है, कोशी का घटवार और दाजू रचना, ये सब किसकी है भैया, शेखर जोशी जी की रचना है। और देखो शिवप्रसाद डबराल जी नाम दिया इसमें, शिवप्रसाद डबराल जी को क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये याद में रखना है। और इन्हें चारण के नाम से भी जानती हो, इनका जन्म हुआ था आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और इनकी रचना उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक याद में रख लो। चलो लीलाधर जगूड़ी जी की अगर मैं बात करूँ तो इनका जन्म टिहरी में होता है। इनकी जो रचना है आपने याद में रखना है, अनुभव के आकाश में चाँद याद में रख लेना, क्योंकि इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ठीक है। और जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी जी की है, जितने लोग उतने प्रेम, ये रचना भी किसकी है, लीलाधर जगूड़ी जी की। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, गांधी जी ने के लिए कहा आप ईसाई समाज के उत्कृष्टम पुष्प हैं, किसके लिए कहा यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो किसके लिए कहा था भैया, तो वह कहा था विक्टर मोहन जोशी जी के लिए, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी जी के लिए कहा था। और विक्टर मोहन जोशी जी का जन्म होता है अल्मोड़ा में, ठीक है ना, फिर ये ईसाई धर्म में चले जाते हैं। तो देखो विक्टर मोहन जोशी जी, अब यहाँ से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, स्वाधीन प्रजा जो अखबार है, स्वाधीन प्रजा, वो आपका कब आता है अल्मोड़ा से और उसके संपादक कौन होते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न ये आपका हो गया। अब देखो इसमें एक और नाम दिया है, भैरवदत्त धूलिया जी। तो भैरवदत्त धूलिया जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ना लैंसडाउन से एक पत्र निकाला था, साप्ताहिक आपका समाचार पत्र था कर्मभूमि, ये आपने याद में रखना है। और देखो इसमें नाम है आपका रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड से आप क्या याद में रख सकते हो, रस्किन बॉन्ड से आप याद में रख सकते हो, इनकी जो पहली पुस्तक है 1955 में आई थी, रूम ऑन द रूफ आई थी, ठीक है। और ब्यूटीफुल गढ़वाल भी इन्हीं की पुस्तक है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, द इंडियन घोष्ट पुस्तक है, तो द इंडियन घोष्ट किसकी है भैया, तो यह है आपकी रस्किन बॉन्ड की, द इंडियन घोष्ट हो गई। अभी मैंने आपको बताया था रूम ऑन द रूफ भी इनकी पुस्तक है, ब्यूटीफुल गढ़वाल भी इनकी पुस्तक है, लंडोर डेज भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो जो आपका हिमालय दिवस है ना वह मनाया जाता है आपका, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाएगा आपका, ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिमालय दिवस। और ये 2015 से ही मनाना हमने स्टार्ट किया था भैया, ठीक है, हिमालय दिवस। और अगर मैं बात करूँ 10 सितंबर को क्या होता है भैया, तो 10 सितंबर को जो भारत रत्न प्राप्त करता है गोविंद वल्लभ पंत जी, तो उनका जन्म दिवस है। तो इसी अवसर पे हम क्या बनाते हैं, उत्तराखंड में गौरव दिवस मनाया जाता है। चलिए ये याद में रखना है। और इसमें 25 मई दिया है, तो राज्य जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जुलाई दिया है, तो 5 जुलाई को राज्य हरियाली दिवस मनाया जाता है। चलिए इतना आपने याद में रखना है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेटों पर यूके सीरीज की शुरुआत को हुई थी, तो देखो यूके जो सीरीज की शुरुआत हुई थी तो वह हुई थी आपकी 1 नवंबर 2007 को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है।
चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, आई आर डी ई यानी इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कि स्थापना जो देहरादून के रायपुर में होती है वह होती है वर्ष 1960 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, राज्य में चालखाल योजना का संबंध है, तो राज्य में चालखाल योजना का जो संबंध है भैया वह है जल स्तर सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, तो जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है वह है आपका बांज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।